भीड़ से जा भिड़ा ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, खुद को नहीं समझता किसी के कमतर। कैच छोड़ने पर फैंस कर रहे थे कमेंट, सुनकर पाक गेंदबाज का बिगड़ा टेम्परामेंट। फिर से टीम में वापसी का संजो रखा है सपना, लेकिन कैमरे में कैद हुई शर्मनाक घटना। रावलपिंडी में तो पाकिस्तानी टीम के अंग्रेजों ने लंका लगा दी, हाईवे जैसी पिच पर भी कैसे जीतते ये तो इंग्लिश टीम ने दिखा दिया। पाकिस्तानी फैंस में इस हार को लेकर आक्रोश है, एक्सपर्ट्स भी हैरान है, इतनी सेफ पिच पर भला हमारे लड़ाके हार कैसे गए। लेकिन होता है, पाकिस्तान में तो ऐसा होता है। एक बात तो जरूर है कि वहाँ के फैंस अपनी टीम को जितना सपोर्ट करते, अगर टीम का प्रदर्शन खराब रहे उतना ही बवाल भी मचाते। दर्शक कभी भूलते नहीं, फैंस को याद रहता है वो लम्हा जब उन्हें दर्द मिला होता है। जाहिर है फैंस हसन अली को भी नहीं भूल पाए हैं जब उन्होंने कैच छोड़ा था। बस फिर क्या था, दर्शकों ने गुस्से से कुछ कमेंट कर दिया और देखते ही देखते पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हसन अली अपनी गेंद से भी तेज फैंस की तरफ लपके। हाथापाई की नौबत आ गई, ये शर्मनाक घटना कैमरे में भी कैद हो गई। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, जब आपके सीनियर खिलाड़ी ही ऐसा करते रहे हैं तो फिर आप भी उन्हें फॉलो करेंगे ही। इंजमाम भी दर्शकों से जा भिड़े थे, एशिया कप में तो आपके खिलाड़ी ही बल्ला दिखाते नजर आए थे। कहा जाए तो ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए कोई नई बात नहीं, उसी रवायत को हसन अली ने आगे बढ़ाने का काम किया। हसन अली का इतने गुस्से में रहना लाजमी भी है, इसकी वजह है कि वो लंबे अरसे से टीम से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन भी तो होता है, निकल गया, क्या करे, दर्शकों पर ही निकल गया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली मौजूदा समय में अपने करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। टीम के एक समय पर स्टार गेंदबाज रहे हसन अली अब लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं। T20 फॉर्मेट और वनडे के बाद अब उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना गया। नेशनल टीम में वापसी की कोशिश करते हुए हसन घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन एक मैच के दौरान भीड़ ने उनको वर्ल्ड कप कैच छोड़ने की वजह से काफी परेशान किया, जिसके बाद हसन अपना आपा खो बैठे, मारपीट पर उतर आए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 28 साल के हसन अली घरेलू क्रिकेट के जरिए टीम में वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसे में एक मैच के दौरान हसन बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे, अचानक से कुछ लोगों ने कैच ड्रॉप किए जाने को लेकर हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। पहले तो उन्होंने कुछ देर बर्दाश्त की, फिर तो परेशान होकर मैदान के बीच में फील्डिंग करने चले गए, पर दर्शक जरा भी चुप नहीं हुए और आखिर में परेशान होकर हसन अली दर्शकों को मारने के लिए दौड़ पड़े। आयोजकों ने दौड़कर हसन को पकड़ा और उन्हें ऐसा करने से रोका। उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मैदान पर दर्शक हसन अली को साल 2021 में वर्ल्ड कप के दौरान सेमीफाइनल में छोड़े गए कैच को लेकर चिढ़ा रहे थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान की हार की वजह से हसन अली के छोड़े हुए कैच को माना जाता है और उसी के बाद से वो टीम से बाहर ही चल रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले हसन अली पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं थे। पाकिस्तान ने हाल में इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर पर टेस्ट सीरीज खेली जिसमें हसन अली को नहीं चुना गया। अपना आखिरी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ हसन अली ने खेला था, जहां वो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। आखिरी बार एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 राउंड के मैच में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे। इस मैच में श्रीलंका ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी। हसन अली ने 3 ओवर में 25 रन दिए थे और उनकी विकेट की झोली खाली रही थी। पाकिस्तानी टीम के लिए खेलते हुए अगर उनके करियर पर नजर डालें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पाकिस्तान के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 21 टेस्ट में 77 विकेट लिए, वनडे में उनके नाम 91 और T20 में 60 विकेट दर्ज है। हसन अली 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में हसन अली सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उन्होंने 14.69 के औसत से 13 विकेट अपने नाम किए थे। भारत के खिलाफ फाइनल मैच में भी उन्होंने 19 रन देकर 3 विकेट लिए थे और पाकिस्तान को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि इसके बाद वो चोट से जूझते रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तानी गेंदबाज हसन अली पाकिस्तान के अच्छे गेंदबाजों में रहे हैं। हालांकि चोट की वजह से वो टीम से बाहर रहे तो कुछ फॉर्म ने भी उन्हें दगा दिया। ऐसे में खिलाड़ी की हताशा ही कही जा सकती है कि वो दर्शकों के जहन में अपने खेल से नहीं बल्कि हाथापाई के जरिए छाप छोड़ बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।